छोटाउदेपुर जिला बोडेली तालुका में बाढ़ के हालात के बाद लोगों की विकट परिस्थिति के बीच वडोदरा शहर भाजपा द्वारा तमाम बाढ़ग्रस्त लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए अनाज सहित जीवन जरूरी चीजों के फूड पैकेट का वितरण करने का आयोजन किया गया है। छोटाउदेपुर जिला और खासकर बोडेली तालुका में तेज बारिश और बाढ़ के हालातों ने जनजीवन को प्रभावित करते हुए तबाही को मचाया है, जहां आज शहर के मनुभाई टावर स्थित भाजपा कार्यालय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तीन दिनों से लगातार भारी बारिश के कहर के बीच छोटाउदेपुर और बोडेली तालुका में पैदा हुई तबाही के मंजर के अंतर्गत वडोदरा शहर भाजपा द्वारा तमाम बाढ़ग्रस्त लोगों को जीवन जरूरी चीज वस्तु पहुँचाने के लिए विशेष आयोजन किए गए है, जिसमे अनाज की हल्दी, मिर्च, चाय, मोमबत्ती के साथ दवाई और अन्य जीवन जरूरी चीजों का एक किट बनाते हुए वितरण किया जाएगा, जहां आज राज्य समाज कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री प्रदीप सिंह परमार, भाजपा प्रदेश महामंत्री भार्गव भट्ट, शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह सहित भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहते हुए भाजपा कार्यालय से ये तमाम कार्यक्रम अंतर्गत वितरण करने की कामगिरी के बारे में जानकारी दी गई थी। गुजरात अलग अलग भागों जे वरसाद थी लोकोने मिलकत ने लोकोने पोतानुं अनाज घर वखरी बगड़ी छे, एवा लोकोने अमारी भारतीय जनता पार्टी राज्यना सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रसिंह पटेल, अमारा सन्माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सिया पाटिल साहेबनी सूचनाथी हर वखते गुजरातनी अंदर कोईपण जातनी आपत्ति आवे तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ए आपत्ति ने अवसर में पलटी ने लोगों ने मदद थवाना आशय थी आज वडोदरा महानगर द्वारा अमरा वडोदरा महानगर सन्माननीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर विजयभाई शाह अने एमनी टीम द्वारा आज छोटाउदेपुर बोडेली खाते जे लोगों ने समस्या थी से एवा लोगों माटे अनाज टाट पटरी नाना भूलकाओ माटे सूको नास्तो बिस्किट चा खांड अने धाबड़ा जेवी वस्तुओ एम दवा पण सामेल छे, जे दवाओ नाना मोटा ताव आया होय अथवा कोई समस्या थई होय तो लोको ए दवानो उपयोग करीने स्वस्थ थाय, एटले गरीबोनी साथे रहीने गरीबोने कोईपण जातनी समस्या ना नड़े ए दिशामां अमारी भारतीय जनता पार्टीनी सरकार द्वारा विचारणा करीने अमारा जिल्ला शहर भाजप द्वारा आजे वडोदरा शहर भाजप द्वारा आ अनाजनी अने आज जीवन जरूरी चीज वस्तु छे एनी बे ट्रक आजे रवाना करवामां आवी रही छे।